सो क्या हाल है सबका, आपके सारे ठीक हो गए? तो फाइनली भाई आज हम बात करेंगे जो इंडिया से, या मोस्ट ऑफ द कंट्री इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान से जो भी स्टूडेंट अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं वो क्यों रिफ्यूज होते हैं, या इमिग्रेशन क्यों एंट्री डिनाई कर देती है कंट्री में आने की, खासकर ऑस्ट्रेलिया के बारे। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत स्टूडेंट वीजा के बारे बता दूं जिनको नहीं पता, या जिन्होंने अभी अप्लाई करना है कैसे प्रोसेस शुरू होता है। या तो आप एजेंट पे जा सकते हो, या अगर आपको कोई है आपका नॉन जो प्रोफेशनल ये चीजें करता हो, कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी, वो आपको ऑफर लेटर भेजते हैं, फिर आपको COE मिलती है, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, फिर आपके डॉक्यूमेंट सारा कुछ लगता है, फिर आप इमिग्रेशन में भेजते हो सारे डॉक्यूमेंट्स। उनकी इमिग्रेशन की एक स्पेसिफाइड फीस होती है अराउंड $600 स्टूडेंट वीजा की, सब क्लास 500। बाकी बहुत तरह के स्टूडेंट वीजाज होते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सब क्लास 500 की, जो कि मोस्टली एवरेज स्टूडेंट आता है जो यहाँ पे, उस पर सब क्लास 500 ही होता है, चाहे वो बैचलर्स में है, चाहे वो मास्टर्स में आए, चाहे वो किसी डिप्लोमा में आ रहा हो। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको कॉल करता है इंटरव्यू के लिए कि आपने क्यों जाना है, सारा कुछ सारे रीजंस पूछता है, आपकी फैमिली के बारे पूछेगा कि आप कौन है यहाँ पे, आप क्यों वापस आओगे, और आप क्या करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में, क्या ड्रीम्स है, मतलब सारा कुछ वो आपकी पूछेगा फोन पे। और उसके एक दो घंटे बाद वो आपको रिजल्ट दे देते हैं हमेशा, लेकिन आपका वीजा रिफ्यूज होया कि एक्सेप्ट हुआ, ये सारा प्रोसेस होता है वीजा रिफ्यू। बाकी इसको एक्सप्लेन करेगा आपका कोई, जो भी जहां भी आप रह रहे सिटी वहां पे कोई अच्छा खासा एजेंट होएगा, उससे आप जाके सारा प्रोसेस पूछ सकते हो। बाकी तीन चार तरह के वीज़ा होते हैं स्टूडेंट वीज़ास, जो कि एक तीन चार साल की स्टडीज़ के लिए होता है, एक तीन चार महीने के लिए स्टडीज़ के लिए होता है, और कई ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मेरी तरह आ रहे हैं बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं, उन पर सब क्लास 500 होता है। वो कोर्स पर डिपेंड होता है, अगर आपका कोर्स 2 साल का तो आपको वीज़ा भी 2 साल, मतलब कुछ महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं, 1-2 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं कोर्स होने खत्म होने के बाद, तो ये पर सब प्रोसेस होता है। बाकी आज हम बात करते हैं 5 मेन रीजंस की कि स्टूडेंट वीज़ा का रिफ्यूज़ल क्यों होता है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। बाकी जिनको नहीं पता, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पढ़ने, टिल 2022, अभी पता नहीं क्या चल रहा है, चाइना सबसे टॉप पे है इस टाइम, अराउंड 1 लाख बच्चा आता है 1 साल में बाहर पढ़ने इंडिया से खासकर, बाकी दूसरे एशिया से पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट से आता होगा, बाकी सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला मेन रीज़न कि आप पे कोई रीज़न नहीं है वापस आने का, मतलब आप पे स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं है वापस आने का, क्योंकि एजेंट जो होते हैं एक SOP बनती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वही इमिग्रेशन पे जाती है, और उसी स्टेटमेंट पे इमिग्रेशन वाले आपको जज करते हैं कि आप वापस आओगे, आप कैसे स्टूडेंट हो, क्या आपकी हिस्ट्री रही है, कहाँ से आप पढ़े हो, फैमिली में आपकी कौन कौन, उसमें सारा कुछ लिखा होता है। तो इंटरव्यू जब कॉल आती है तो मोस्टली उसमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं आपके, तो कई बार रीजंस उनको नहीं बढ़िया लगते तो वो डिनाई कर देते हैं कि आप वापस नहीं आओगे, आपकी इंटेंशन नहीं है वापस आने, इसलिए हम आपको डिनाई कर रहे हैं। दूसरा रीजन यह है कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, कई बार आपको यूनिवर्सिटी प्रॉपर अप्रूवल दे देती है कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, पर बहुत रेयर होता है कि इमिग्रेशन आपके एकेडमिक से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस करके वो इस रीजन करके भी डिनाई कर, पर ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि एक बार आपका अगर आपको यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आ गई तो फिर आपका 50% ऑफ द लोड कम हो जाता है कि आपका स्टूडेंट वीजा एक्सेप्ट हो जाएगा। तीसरा रीजन है फंड्स का, जो कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दिखाना होता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि हम यहाँ के अपनी फीस खुद पे कर सकते हैं, यहाँ के हम अपनी लिविंग एक्सपेंसेस खुद उठा सकते हैं। अगर आप मीट नहीं कर रहे रिक्वायरमेंट्स पे तो उस करके भी वो आपको डिनाई कर सकते हैं कि आपकी एंट्री, कि आपको हम स्टूडेंट वीजा नहीं दे सकते। कि मिसिंग और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बहुत कॉमन चीज हो गई थी बहुत टाइम पहले, मैं बहुत तो सुनता था मेरे दोस्त के कि किसी ने इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और किसी के डॉक्यूमेंट्स मिस है बीच में से, क्योंकि बीच में 10th, 11th और 12th की भी सर्टिफिकेट लगती है मार्कशीट्स, तो ये ना सोचना कि 11th नहीं काम आती, 10th भी चेक होएगा, 11th भी चेक होएगा, 12th भी, और वो वेरीफाई भी करते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं। कई बार ये होता है कि वो ओरिजिनल नहीं निकलते बहुत तो स्टूडेंट्स के, तो इस करके वो डिनाई कर देते हैं, और कई बार ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट इन द सेंस कि आपको बैन कर देते हैं कि आप अगले 1 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते या 2 साल तक, वो डिपेंड्स ऑन ऑल द रीजंस। और पांचवा मेन रीजन जो कि हेल्थ और करेक्टेड डॉक्यूमेंट, जिन्हें नहीं पता, जब भी आप वीजा अप्लाई करते हो या अगर आप टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई करो, मतलब 1 साल से बढ़कर अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हो अपना टूरिस्ट वीजा या स्टूडेंट वीजा, तो आपका एक मेडिकल चेक होता है, तो उसमें मेडिकल चेक में यूरिन टेस्ट होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, पूरी बॉडी चेक करते हैं कोई निशान वगैरह तो नहीं है, सारा कुछ, कोई टैटूज तो नहीं। और मैं आपको पहले बता दूं ये बात, बहुत तो को नहीं पता लगती, अगर आपके टैटू है और अगर आप मेडिकल चेक कराने जा रहे हो वीजा एप्लीकेशंस के लिए, तो पैसे उसके एक्स्ट्रा लगते हैं चेक करवाने के, तो उसमें वो चेक करते हैं सारा कुछ कि आपको कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो कि वहां जाके आगे लोगों को
वो सब चीजें। तो वो मेन रिपोर्ट सीधा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स पे जाती है, आप पे कुछ नहीं आएगा उसका। तो करेक्टर लगता होगा, पुलिस चेक भी होएगा कि आपके कोई केस तो नहीं चल रहे पिछले, तो वो सारी चीजें मेन होती है। बाकी यही मेन पांच पॉइंट्स है जो कि इमिग्रेशन, हर इमिग्रेशन चेक करते हैं, यानी कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन चेक करेगी। अगर आप न्यूजीलैंड भी जा रहे हो, अगर आप कनाडा भी जा रहे हो पढ़ने, तो ये पांच पॉइंट्स तो आपके जरूर चेक होते हैं कि आपको वापस जरूर आना है, आपके करेक्टर कंसर्न होने चाहिए, आप पे इनफ फंड्स होने चाहिए कि आप अपने आपको वहाँ संभाल सकते हो। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप यहाँ के हम पे बोझ बन जाओ। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, मॉडम नॉट लाइक अच्छी खासी, नॉट लाइक कि 80-90% वाले होने चाहिए, हम भी बैठे हैं 60 वाले, पर हाँ प्रॉपर होने चाहिए एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये नहीं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स उठा के बनवा के और रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो सारा कुछ वेरीफाई कर लेते हैं। और अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा इंडिया में रिफ्यूज़ हो जाता है, इन केस मैं ये नहीं चाहता किसी का होए रिफ्यूज़, अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको फिर से सारा कुछ डॉक्यूमेंट, फिर से सारा फाइल प्रोसेस करने की, फिर से फीस भरनी पड़ेगी, और आप स्टूडेंट वीज़ा फिर से अप्लाई कर सकते हो। ये ना सोचना कि आप दो बार अप्लाई कर सकते हो, तीन बार, आप जितनी मर्जी बार अप्लाई कर सकते हो, पर ध्यान रखिए कि आप बार बार सेम डॉक्यूमेंट्स ना लगाओ और बार बार सेम रीजंस ना दो, और बार बार सेम रीजंस पे आपको इमिग्रेशन मनाना कर रही हो, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मेन बात ये कि ये कोई प्रॉपर एक वो नहीं है इमिग्रेशन वाली एडवाइस, या आपको किसी एजेंट पे जाके लेनी पड़ेगी, ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जो मेरे दोस्त आए उनके साथ हुआ, जो उनके इंटरव्यूज हुए, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, जो कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, यूटीएस, डीकिन यूनिवर्सिटी, मतलब कहीं भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, मेलबर्न हो, एडलेड हो, तस्मानिया हो, सिडनी हो, जहाँ मर्जी हो, तो यूनिवर्सिटी का सक्सेस रेट वीज़े का बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी कॉलेज में आ रहे हो। और कॉलेज में अगर आप कोर्स ले रहे हो, डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4, बाकी ये मोस्टली ये वाले कोर्स दिलाते नहीं है इंडिया एजेंट से, क्योंकि इसमें आपको वीज़ा का रेट बहुत कम मिलता है। अराउंड मैं पिछली बार नेट पे पढ़ रहा था, 900 में से सिर्फ 40 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, और वो सिर्फ इंडिया की नहीं, इंडिया, श्रीलंका, एशिया के जो भी सारे पार्ट्स हैं उसमें 900 अगर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, अराउंड 3.8% पे समथिंग। और मैं परसों ही नेट पे पढ़ रहा था कि अराउंड जो कि वोकेशनल स्टडीज़ हम वोकेशनल स्टडीज़ हम उसे कहते हैं, आप डिप्लोमा कर रहे हो, कुकरी कर रहे हो, सर्टिफिकेट कर रहे हो, उसे हम वोकेशनल स्टडीज़ कहते हैं। अगर आप बैचलर्स कर रहे हो उसे हम हायर स्टडीज़ कहेंगे। आपके हर वीज़े के लेवल होता है कि आप हायर एजुकेशन में, आप वोकेशनल स्टडीज़ में आए हो, आप क्या करने आए, तो वो डिपेंड करता है। बाकी आज की वीडियो में यही था, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुले हैं, तो आप कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम रिप्लाई कर दूं सबका। आजकल स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं भाई, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स ने कभी सिडनी की डाली हुई, कभी मेलबर्न सिटी की, तो होप सारों की सारे जल्दी सेट होए, बढ़िया डॉलर कमाओ। बाकी होप कि सारे बढ़िया आएंगे। बाकी फिर मिलते हैं भाई आपको अगली वीडियो में, होप कि पसंद आ रही होगी आपकी वीडियो। चंगा, ओके, और खींच के रखोगा।